बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शोक बस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो सीन इस टाइप का है कि इस टाइप का सीन है कि जो हमारे पास मुर्गे मुर्गियाँ जाने थी, वो जाने का नाम ही नहीं ले रही। इस तरह हुआ है कि जो हमने जावा मुर्गा जोड़ा देना था और उसके साथ जो काली मारी थी, वो दोस्त है हमारे, उनको दे रहे थे। वो बोल रहे थे हमारे सेटअप में जगह ही नहीं है, उनके पास जो थे खुड़े कम थे। तो बोल रहे थे कि अहमान भाई, आपके पास खुड़े बहुत हैं, खुड़ों की ज़्यादा है आपके पास, तो और जगह भी माशाल्लाह अच्छी है, तो आप उधर ही इनके छोड़ें। तो ये भी इनने भी जाना था। तो ये होता कि लाख के मुर्गे के साथ से दो से तीन मादियाँ काम हो जाती है, लेकिन ये तो भाई साहब नाम ही नहीं ले रही काम होने का। तो बात वही होगी, फिर जितने भी चूज़े लगेंगे ज़्यादा मादियाँ आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह बात मादियों में कोई बात नहीं है मादियों की, क्योंकि जो हमारे पास मादियाँ भी आएंगी तो अच्छे लेवल की आएंगी, क्योंकि जो इनकी हमारे पास मादियाँ सारी तकरीबन अच्छी हैं। तो फिर इसके अलावा जो है ना, वो हमारी मुर्गी थी कुड़क होने वाली थी, आज दूसरा दिन अंडा नहीं दिया, बैठी हुई है। तो आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि वो कुड़क सही नहीं हुई थी, अभी उसने अंडा दिया था, लेकिन आज इसने अंडा भी नहीं दिया, कल भी नहीं दिया, आज दूसरा दिन बैठी हुई है। चले उससे भी देखते हैं। इससे पहले जो है आपको मुर्गों का सूरत हाल बताते हैं। तो इधर जो है अभी मुर्गे घूम फिर रहे थे, दाना डाले इनके सामने, इधर इनके सामने जो दाना डाला, अभी खा के आराम कर रहे हैं। देख सकते हैं पानी में खड़ी है मादी, साथ ही ये जो पटा जो खड़ा है, इधर ही पीली मादी दूसरी सारी इधर घूम फिर रही है। तो एक मादी जो है वो जो पक्की इधर बैठी है, तो कुड़ों का उसने अपना तोड़ना है नहीं, इसने टाइम लगाना है, क्रास में से करा रहा हूँ मुर्गे से। लेकिन इसी बात ये भी है, क्रास तो करा रहे हैं, लेकिन ये खुद जो है ना वो मुर्गे के साथ नहीं घूम फिर रही, क्योंकि इस मुर्गे के साथ और भी मादियाँ बहुत हैं, तो इसलिए ये इसके पास नहीं जा रही, क्योंकि उसके पास जाएगी तो दूसरे मुर्गे इसे छोड़ेगी नहीं। इस तरह कई मरतबा हुआ कि फाइट भी धाबू हुई मादी जो होती है वह दोबारा फाइट हो जाती है उसकी, जबकि मुर्गा जब क्रॉस करता है नई मादी पर तो दूसरी मादी की फाइट हो जाती है, तो फिर दोनों मादियाँ लड़ पड़ती हैं, फिर पता ही नहीं होता। इसलिए जो है इस तरह ही ठीक है, ये अपना कुड़ों का आराम से तोड़ेगी, उतने तक जो है अल्लाह के हुक्म से जो है दूसरी मादियाँ जो हैं अंडे स्टार्ट कर देंगी। तो फिर ये इसका नंबर आएगा इंशाल्लाह जल्दी, तो फिर इंशाल्लाह लाके मुर्गे को रेस्ट आ जाएगा, रेस्ट मोड हो जाएगा इसका जी, इसको इंशाल्लाह खिलाई पिलाई होगी। ये क्या हो रहा है यार, समझ ही नहीं आती किसी टाइम, ये देखें जी पठा मुर्गियों को मार रहा है, मुर्गियाँ पठे को मार रही हैं, समझ ही नहीं आ रही कुछ किस लेवल के निज़ाम बने हुए। ये देखें जी अभी सारे भाग रहे मुर्गियों के पीछे, तो इधर ये चूजे जो इनके पीछे जो है बड़ा चीना छोटा चीना पट है वो इनके पीछे भाग रहे, कोई इधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है, ये तो भाई मची हुई है जी बिल्कुल। इधर जो है हमने अपने रात को जो है मुर्गों के लिए जो है कणक तो थी हमारे पास, तो वो हमने भिगो लिए ताकि नरम हो जाए। अजम नहीं करते यार, जो हम जब सूखी सूखी कणक दम इनके आगे डालते हैं ना, आज शाम को डाली कल जो शाम तक उनके भोगे में जो है कि कणक उसी तरह बिल्कुल महफूज होती है। एक टाइम ये बचा लेते हैं, बाहर घूमते फिरते हैं उधर से इतना खाते नहीं है, तो इससे जो है हमारे लिए काम ख़राब है, क्योंकि जो है क्रीज आस्ता कर देंगे ठीक है जी, जब इनका आज़म आस्ता होगा। तो उसके अलावा और भी बहुत से मसाइल होते हैं, आजमल से ही नहीं हो तो पोटा भी रख लेते हैं ना, इसलिए जल्दी देखें जी नरम की हुई है बस फेंकी जी, ये तो नरम की हुई चूज़ों के लिए बेस्ट है जी ये, क्योंकि चूज़े जो है इसे सही तरह प्रॉपर तरीके जो है हजम करेंगे। तो बाकी मुर्गियों की तरफ भी मैं बाकी मुर्गियों को भी जो है मैं इसी तरह कणक डालता हूँ, तो बाजरा भी है, बाजरा मिक्स करते हैं शाम को जो है, बाजरा कणक जो है मिक्स करके जो है सही तरह धो के जो है ना वो डाल देते हैं, ताकि जो है उसके ऊपर से जो स्प्रे मारते हैं बाजरे के ऊपर से वो उतर जाए। तो चले इनके आगे भी डालते हैं। तो यार इस तरह करते हैं कि जो है हमारी मुर्गियाँ थोड़ी देर बाद निकाल लेते हैं, तो उसके बाद जो है इसे डाल लेंगे, उतने तक जो हमारी मुर्गी कुड़क हुई है उसे नज़र मार देते हैं कि उसने आया कि आज भी अंडा दिया या नहीं दिया। तो इन्हें बाहर निकालते हैं, थोड़ा मुँह शूँह मार लेंगे, बाहर चौक शोक लेंगे कुछ घास वास, तो इसलिए फिर बाद में इनके जब अंदर लाएंगे एंट्री करेंगे तो फिर इंशाल्लाह इन्हें दाना डालें। इधर जो पीली मादी है हमारी, ये क्रीस इसकी मुकम्मल है, तो बस दो आधी इसकी रही हुई है जो अभी निकाल रही है। तो वैसे भी हम बोलते हैं कि जल्दी तैयार हो ये अंडों पर,
सीजन भी अच्छा है तो इसलिए हम इसे पकड़ के क्रॉस कराते हैं। तो अभी माशाल्लाह ये जैसे ही मुर्गे के सामने इसे हल्का से बैठाते हैं ये बैठ जाती है तैयार, मतलब कि ये जल्दी तैयार होने वाली है। तो इसे अभी क्रॉस करा लेते हैं तो फिर इन्हें बाहर निकालते हैं। मुर्गा कदरे मुर्गा ही नहीं नजर आ रहा अंदर घुसे हुए। मुर्गी जो है इसे हमने पकड़ लिया, लाखा मुर्गा भी इधर नीचे ही है, तो इसे अभी जो है क्रॉस कराते हैं हम। अभी जो है ना खुद क्रॉस करेगा इसे, जो है ये तैयार हो जाएगी मादी, अभी खुद क्रॉस लेने लग जाएगी जल्दी। मुर्गी को भी हमने क्रॉस करा लिया अभी, तो अभी इनको भी जो है ये भी बता दे खड़े दरवाजे के पास के निकालो, ये हमें भी निकालो, टाइम हो गया तो, क्योंकि जो बिल्कुल जो हिले हुए हमारे साथ सुबह 6 बजे का टाइम होता ही है, दरवाजे के पास आ जाते हैं तो दरवाजा खोल नहीं दे रहे जी, इसी तरह राकट होते हैं सारे बाहर, तो देख सकते हैं कुछ अंदर ही, इन्हें नहीं पता, जो जिन्हें नहीं पता कि दरवाजा अभी नहीं खोला, तो जैसे ही पता लगेगा इन्हें कि दरवाजा खुल गया तो भागो जी सारे दौड़ लगा देंगे। मुर्गा अभी अंदर ही है, मुर्गे को भी अभी बताते हैं कि दरवाजा खोल गया, भाई दरवाजा खोल गया, चल भाई चल चल सीधा दरवाजे की तरफ। अब ऐसे ही बताया कि दरवाजा खोल गया, इसने बोला मेहरबानी यार, शुक्रिया यार कि मुझे बताया, तो नहीं तो मैं अंदर ही होता, अभी मार नहीं ना इसे ना खुशी में आगे, तो ऐसे बाहर ही घूम रहे हैं सब। तो चले हम चलते हैं अभी अंदर मुर्गी की तरफ, जो कि अभी कुड़क होके बैठी हुई है, उठने का नाम ही नहीं ले रही, ना अंडा दे रही है। तो यार एक बात है, एक मसले की बात है कि यार ये जो मुर्गी है तो ये अभी बने एक उसने ही मांग लिए, तो अभी ना भी नहीं कर सकते तो देनी भी है, तो इसलिए यार इसके अंडे जो हैं हमें इसके लिए हमें और मुर्गी कोई ढूंढनी पड़ेगी यार। तो मुर्गी भी यार पता है यार गारंटी शुदा चाहिए, इतनी मेहनत के बाद जो है अंडे ख़राब ना हो, तो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा बच्चे निकलेंगे। लेकिन यार इसके लिए हमने जो मुर्गी ढूंढनी है को जो कि इसके अंडे जो हैं दूसरी मुर्गी के नीचे रखें, तो मुर्गी के पास भी हम खड़े हैं, देख रहा हूँ मैं मुर्गी को, मुर्गी मुझे देख रही है, तो चले आपको भी बताते हैं। मुर्गी बैठी हुई चेक कर रही है अपनी जगह, इसने ढूंढी हुई है, तो इधर ही दरवाज़ा खुला है चेक करें, अभी बैठी हुई है, इसे भी इशारा देते हैं कि उठ चल बाहर दरवाज़ा खुला है, ये भी सीधा राकट होगी बाहर, देखना जैसे ही मैं आस पास करता हूँ आवाजें निकालती आवाजें निकाल दिए भाई ये, नहीं यार इसे अंडा नहीं दिया, मुझे लगता है ये पूरी की पूरी कुड़क हो चुकी है यार, करना पड़ेगा यार इसका कुछ, इसके अंडे पड़े हमारे पास कुछ मुर्गी ढूंढनी पड़ेगी इसलिए। तो इंशाल्लाह जो है ना कि इंशाल्लाह कि हम एक सेटअप पर विजिट करेंगे, उनके पास नजर मारेंगे, कजन ही है मेरा तो उसने मुर्गे रखे हुए, तुम दो मुर्गियाँ मेरी भी उसके पास हैं, जिनमें से एक मुर्गी उसने अभी बच्चे लगाए, बच्चे तो नहीं अभी अंडों पर बैठी, वो भी आपको बताएंगे इंशाल्लाह, आपने देखी होगी मेरे पास मुर्गी वो वाली, तो वो उसके पास देखेंगे यार कि उसके पास कोई मुर्गी है या नहीं, तो अगर उसके पास कोई कुड़क मुर्गी होगी तो उसे बोलेंगे इंशाल्लाह, दरख्वास्त करेंगे उससे कि हमें मुर्गी दे दे, तो जो है हम बच्चे निकाल लें, तो इंशाल्लाह देखे होंगे तो हम वापस कर दें मुर्गी उसको, फिर वो जो है अपने बच्चे से निकाल लें, क्योंकि जो इंशाल्लाह केयर करेंगे एक हफ्ते की भी होंगे तो ज़्यादा देर नहीं रखेंगे, मौसम अच्छा है, कोई बात नहीं उसे वापस कर दें। तो ये मुर्गी अभी इसे बाहर छोड़ दें, अभी कुड़ों को अभी कुड़ा कुड़ा कर रही है, तो बाहर बाहर छोड़ेंगे तो अंदर आने की करेगी, तो इसलिए जो है इसे दूर थोड़ा छोड़ दें, तो फिर इसे अंदर कहाँ के ना आए जी, हम इन छोड़े। ओहो हो ये तो दो दिन यार मुर्गी जो है अंदर हुई है, अंदर बैठी रही है, तो दूसरी मुर्गी तो उसको राकट कर रही हैं भगा रही, चल ये सीधा अभी घूमी फिरेगी थोड़ा खाई पिएगी तो फिर जो है अंदर चलेगी। तो यार एक मसले की बात यही है कि जो है हमारे पास अंडे इसके पड़े हैं, तो इसने यार अंडे भी थोड़े दिए, कोई बात नहीं है अरे यार हमें जिस तरह की जिस टाइप की मुर्गी हमें जो है मिली ना, जो कि गारंटी शुदा होके बच्चे निकाले इंशाल्लाह, तो फिर उसके नीचे अंडे इसके रख देंगे तो बच्चे निकालेंगे, तो मुर्गी बच्चे निकालेगी, तो इंशाल्लाह क्या आराम करेंगे अल्लाह के हुक्म से, तो एक एक हफ्ते होंगे, हफ्ते के होंगे तो चूज़े हम रख के तो मुर्गी वापस कर देंगे। किसी भाई के पास मुर्गी है कुड़ों तो यार दे एक महीने के लिए दे दे यार, उसके जो है बच्चे निकाल के इंशाल्लाह जब बच्चे निकाल लेगी तो वापस कर देंगे भाई को।
तो चूज़ा भी जो है अच्छा सा इंशाल्लाह दे देंगे साथ में। तो किसी के पास है तो कमेंट्स में मुझे बताए यार, तो मुझे मुर्गी दे क्योंकि ये मुर्गी जा रही है अभी। आपको देखें यार, ये भाई साहब जो है बहुत ही ठंडा पड़ा हुआ है, तो ये मुर्गे को देखता है तो मुर्गे को लिफ्ट ही नहीं करा रहा, तो मुर्गे को जो है देख कर आकड़ता रहता है कि मुझे बाहर निकालो, मैं इसका सूत्र बनूँ। लेकिन इसको नहीं पता कि आगे भी जो है मेरा बाप खड़ा है, तो इसलिए मुर्गे को अभी बाहर निकालते हैं, थोड़ा देखते हैं कि हमारी और कोई मुर्गी ना आ जाए, क्योंकि जो है इसकी फाइट ना हो जाए उसके साथ। तो इसे भी हमने पकड़ लिया है, तो पकड़ लिया हमने इसे अभी, तो वजात भाई बोलते हैं ना पकड़ लिए पकड़ लिए, तो हमने पैसे पकड़ लिए। तो इसे अभी नीचे छोड़ते हैं, ये देखें रात को खिलाया था भोग, अभी देखें इतना जम नहीं, क्योंकि डाकुआ जब मुर्गा होता है बंद हुआ रहता है खुड़े में, तो ज़्यादा जल्दी हजम नहीं करता, आराम से करता है, तो इसलिए उसे खुराक भी दो है नरम दे। इसे जो है नीचे छोड़ दिया अभी। तो भाई साहब यार, इधर जो है हमारी उम्रों मुर्गी आ गई अंदर, इधर मुर्गी भी आ गई है, दूसरी मुर्गी भी खड़ी है। वाह 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 फंटास्टिक, वाह 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 क्या बात है भाई। इधर देखें जी, ये उसके सामने सीधी हो रही जी, राकेट हो रही है, चेक कर रहे हैं जी। वो दो मुर्गा भी आ रहा है इसके पास, आए हाय हाय, खा लो यार। तो ये तो इसे मार रहा है भाई, इसे तो मार रहा है, मुर्गी भी इधर सामने खड़ी है, ये मुर्गी इधर ही। ओहो इसे हो रही है, पास मत आना, छोड़ेंगे नहीं जी। तो भाई साहब अभी ये आमने सामने होगी जी दो मुर्गियाँ, एक ये रही दूसरी ये रही जी, अभी इनका बहुत सख्त मुकाबला होने वाला है, लेकिन हमने मुकाबला नहीं करना है इनका। तो भाई साहब ये दो मुर्गियाँ भी आमने सामने हो गई, दो औरतों की तरह, जिस तरह दो औरतें आमने सामने जो गुस्से में हो जाती हैं, तो एक दूसरे के बाल नोचती हैं, तो अभी ये भी जो है तैयारी पकड़ी एक दूसरे के बाल नोचने में, दोनों तैयार हैं जी, देख सकते हैं दोनों बिल्कुल तैयार हैं जी फाइट के लिए, एक दूसरे के बाल नोचने के लिए अभी। लेकिन इन्हें यार मुर्गा बीच में मस्ती कर गया, मुर्गे को साइड पर करते हैं, इनको यार लड़ने तो नहीं देना यार, क्योंकि अभी दोनों मुर्गियाँ तैयार हैं जी। तो भाई साहब अभी मैदान में आ चुकी है छोटी पहलवान बड़ी पहलवानी, तो अभी ये दोनों मुकाबले के लिए बेताब हैं, तो एक दूसरे के बहुत ही खुशे में एक दूसरे को देख रहे हैं जी, अभी जाने वाले हैं जी मुकाबले के लिए, देखते चलिए। तो यार अभी छोटे पहलवान ने जगह चेंज की है जी, बड़े पहलवान भी अभी मुर्गे के पास गया हुआ है जी। इधर आपको एक बताते भी हैं कि हमने जो है मुर्गियों के एगलिंग के लिए एक दो छोटे छोटी कोठनियाँ तैयार की हैं जी, कोठनियाँ भी बताएंगे जी आपको कि इधर हम कड़ों मुर्गी को बैठाएंगे जी, तो बेहतरीन जगह ठंडी माशाल्लाह। ये अभी देखें दोनों एक दूसरे को उकड़ी, मुकाबला बिल्कुल नज़दीक है जी, तो वीडियो छोड़ के मत जाना जी, अभी पहलवानों का मुकाबला स्टार्ट होने वाला है जी, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं जी बिल्कुल एक दूसरे के पास आ चुके हैं जी, बिल्कुल रेडी होने वाले हैं जी। भाई साहब यार इन्होंने रेडी होकर फाइट भी शुरू कर दी थी यार, फाइट होने वाली थी यार, बड़े पहलवान को जो है पहलवानी, इसको यार मैंने अभी हाथ में उठा लिया, इसको यार बंद करते हैं अभी, क्योंकि यार इनकी दुश्मनी बहुत पुरानी है, जितना भी इन्हें छोड़े लड़ेंगे मर जाएंगे, लेकिन यार ये भागेंगे नहीं, तो इसलिए यार अंदर जाता हूँ, ऐसे अंदर बंद कर देते हैं जी। तो दूसरी छोटी पहलवानियों से ही बाहर निकालते हैं, मुर्गे के साथ छोड़ते हैं। ओहो यार मुर्गा भी बाहर है, दूसरा मुर्गा भी हमने बंद किया हुआ। तो आपको इससे पहले अपने कोठनियाँ बताते हैं, हमने जो छोटी छोटी मुर्गियों के ये बनाई है कि इसमें ही अंडे दें और इसमें ही कुड़क उठाएंगे इंशाल्लाह, वो भी बताते हैं कि चेक करें जी, इधर चेक करें, वाह जी वाह, वाह जी वाह, तो गुड हो गए जी, चेक करें जी। एक जो पिंजरा था हमारे पास इधर ही रख के, इसके आस पास हमने ब्लॉक रखे ताकि अंधेरा हो जाए इधर भी, इसके ऊपर भी जो है हम इधर चादर लाएंगे जी, चादर डालेंगे, ये भी एक कोठनी बन जाएगी, दरवाजे की जरूरत ही कोई नहीं है जी भाई, क्योंकि इसे अंडे ही देने, कौन से इधर हमने चूजे बंद करने। अभी निकल रहे हैं जी स्टेज से बाहर आते हुए जी, चेक कर रहे हैं मुर्गे को, मुर्गी के साथ मुर्गा हमने छोड़े हुए, अब बाहर निकाला ले आए जी मुर्गी को, बाहर ले आए, मुकाबला बहुत सख्त होने वाला था, मुकाबले हमने बचाव किया जी। तो बाकी भी इधर घूम फिर रहे हैं, तो चले इन्हें घूमने दें, तो हम वीडियो एंड करते हैं जी। तो आज का यही व्लॉग था, वही वीडियो थी, क्योंकि उम्मीद है कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जी।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।